गाइस वेलकम टू आवर पॉलिटिकल पॉइंट। मैं सोन गुप्ता और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ डेक्कन कॉलेज के बारे में। ठीक है कि डेक्कन कॉलेज में आप अगर मास्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। मैं मुझे नहीं पता कितना करेगा, बट मुझे मतलब भरोसा है कि काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी अगर आप इस वीडियो को देखते हैं पूरा। तो वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा वीडियो है, 5-7 मिनट का, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगर आप वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वक्त वहाँ का फॉर्म आ चुका है मास्टर में अप्लाई करने के लिए। टोटल सीट है 60 सीट है टोटल। ठीक है, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। अब आपके सामने समस्या आएगी कि आप तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप पहला काम ये करिए कि वेबसाइट पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स मौजूद है, पता नहीं अभी है कि नहीं है, अगर नहीं है तो मैं अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में, चांस मौका दीजिए मुझे। और आपको जिससे आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके सामने दूसरी समस्या ये आएगी कि कौन से किताब से तैयारी करें। उसके लिए मतलब एक किताब है प्रोफेसर उपेंद्र सिंह का बुक, जो कि नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और वहाँ के एंट्रेंस के लिए भी, और सिर्फ वहाँ के नहीं कहीं का भी कोई एंट्रेंस हो, अगर आर्कियोलॉजी है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। तो प्रोफेसर उपेंद्र सिंह का जो बुक है आप उसको लेकर के अच्छे से पढ़ लीजिए। कोशिश करिए कि आर्कियोलॉजी वाला सेक्शन पूरा पढ़ जाइए। ठीक है, आपका वहाँ पर एंट्रेंस ईजिली निकल जाएगा। उसके बाद आपके सामने एक समस्या आएगी कि इंटरव्यू फेस करना है। तो पहली बात आपसे मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट आप कह सकते हैं कि कभी भी आप इंटरव्यू के नाम से ये मत सोचा कीजिए कि नहीं इंटरव्यू में आपको उलझाएंगे फंसाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। खासकर मास्टर में अगर आप एडमिशन लेने आते हैं एमए में तो आपसे क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल होंगे, लाइक आप कहाँ से हैं, आपने पढ़ाई कहाँ से करा है, क्या आपने पढ़ाई करी है, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि भाई आप एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे एडमिशन क्यों चाहिए आपको, आप आर्कियोलॉजी में क्यों आना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। हो सकता है वो आपसे ये भी कह दे कि भाई आर्कियोलॉजी में जॉब्स तो नहीं है ना के बराबर है, फिर आप आर्कियोलॉजी में क्यों आना चाहते हैं। तो आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर तैयार रखिएगा, बाकी कुछ नहीं है, वो बस चेक करना चाहते हैं कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, मोटा मोटा जहाँ तक मुझे लगता है वो यही चेक करते हैं। ठीक है, अब आपका जो है कि मान चलिए एडमिशन भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। अब एडमिशन के बाद की बात करते हैं, अब क्या होगा, आपके सामने दो कन्फ्यूजन है। पहली ये कि क्या वहाँ पे क्लासेस इंग्लिश में चलती है या हिंदी में चलती हैं। देखिए वहाँ पे क्लासेस इंग्लिश में चलती हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन आंसर हिंदी में करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, आपको यही तो चाहिए कि आप जिस लैंग्वेज को आप जानते हैं आप उसमें बात कर सकें उनसे, और वो आपको रिप्लाई कर दे, बात खत्म। इसके बाद एक समस्या आपके सामने आएगी कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो क्या आप हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे। तो आप जो है कि हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी को कोई भी इशू नहीं है। आपको पता है कि डेक्कन कॉलेज एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब मान के चलिए कि आपका एडमिशन भी हो गया, आपने जो भी कर लिया जो भी करना था आपको। ठीक है, अब आपके सामने समस्या आएगी कि वहाँ पर रहने के लिए क्या व्यवस्था है। तो आपको पता है वहाँ पर हॉस्टल्स है और हॉस्टल्स आपको मिलता है और उसका खर्च अराउंड 20,000 पर सेमेस्टर आता है। मास्टर में आपके 4 सेमेस्टर होंगे, अगर 20,000 अराउंड का खर्च आ रहा है तो मान के चलिए कि आपका 80,000 के आसपास होगा। अगर मैं गलत हूँ तो अगर कोई वीडियो देख रहा है डेक्कन कॉलेज से तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करें। इतनी चीज़ें हो गई, इसके बाद आपका आई होप कि मैक्सिमम डाउट इस पॉइंट पे क्लियर हो गया होगा कि हिंदी इंग्लिश की भी समस्या खत्म हो गई, आपका एडमिशन से लेकर प्रोसेस तक भी। इस जगह अप्लाई मत करिए कि नहीं हम सिर्फ डेक्कन कॉलेज अप्लाई करेंगे या सिर्फ BHU अप्लाई करेंगे, नहीं, डेक्कन कॉलेज, BHU और MSU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन 3 यूनिवर्सिटी में जो है कि आप ट्राई अच्छे से करिए। और एक बात आपसे मुझे ये भी कहनी है कि आप कभी ये मत सोचिए कि आप किसी ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर नहीं है, माहौल नहीं है, तो या फिर वहाँ पे उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है जो अदर यूनिवर्सिटी में है तो आपका अनर्थ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी बैठे हो आज के डेट में आप काफ़ी मतलब एडवांस हैं कि आप घर बैठ के भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जहाँ भी आपका एडमिशन हो जाए वहाँ ले लीजिए। कोशिश करिए कि बेटर जगह हो जहाँ पे एक्सप्रेशन चलता हो। मैं हमेशा इस बात को क्यों कहता हूँ कि जहाँ पे एक्सप्रेशन चलता हो, क्योंकि देखिए जहाँ पे एक्सप्रेशन चलता है वहाँ पे क्या होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट आपकोर्स वहाँ पे होंगे और जब वो आपका क्लास लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा कि कैसे खुदाई करते हैं कैसे नहीं करते हैं, या फिर आपको चीज़ें खुद से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, या आपको कभी वहाँ जाने का मौका मिलेगा। अगर आप किसी ऐसी जगह एडमिशन लेते हैं
कि जहाँ पे खुदाई होता ही नहीं है, एक्सप्रेशन होता ही नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा सकते ना। तो इसलिए कोशिश करिए कि ऐसे जगहों पे जो है कि आप एडमिशन लीजिए जहाँ पे खुदाई चलता हो, ठीक है। तो मेरी इतनी सी बात थी आप लोगों को, और आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, ठीक है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर लेना, ना पसंद आया तो डिसलाइक करना और मुझे फीडबैक देना, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा जो भी चीज़ें होंगी। हाँ, अगर कहीं आपको कन्फ्यूज़न है किसी पॉइंट पे तो आप कमेंट करना, मैं हो सकता है तुरंत आपका जवाब ना खाली होगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। ओके, सो टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।